फ्रेंड्स, आज हम डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। दिए गए प्राथमिक सेल का विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रैक्टिकल करने के लिए हमें इन उपकरणों की आवश्यकता होगी। हमें पोटेंशियोमीटर लगेगा, लेक्लांसी सेल, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की, गैल्वेनोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर और कनेक्शन वायर्स की आवश्यकता होगी। हम यहाँ प्राइमरी सेल के रूप में लेक्लांसी सेल ले रहे हैं। हम डेनियल सेल भी उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे, वो रेजिस्टेंस बॉक्स कम रेसिस्टिव वैल्यू के रेजिस्टेंस उसमें होने चाहिए। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझें। हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो पहले हम देखें कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक प्राइमरी सेल की वर्किंग क्या है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। हम देख रहे हैं चित्र में कि एक हमारे पास प्राइमरी सेल बना हुआ है, ये डेनियल सेल है। डेनियल सेल में हम कॉपर पार्ट के अंदर CuSO4 का विलयन भरते हैं और इसके अंदर एक पोरस पार्ट होता है। पोरस पार्ट में हम H2SO4 मिलाते हैं और इस H2SO4 पर जिंक की रॉड होती है। विद्युत अपघट में इस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है कि विलयन में जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सब एक जगह पर एकत्र हो जाते हैं, जबकि सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी ओर एकत्र हो जाते हैं। एक फोर्स काम करने लगता है जो इन नेगेटिव चार्ज को एक जगह पर एक्यूमुलेट करता है और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी ओर एक्यूमुलेट करता है। ये जो फोर्स है ये केमिकल फोर्स है और ये केमिकल फोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब जब सारे नेगेटिव चार्ज एक ओर एकत्र हो जाते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज एक ओर एकत्र हो जाते हैं, तो हम जानते हैं कि जिस जगह पर बहुत सारे समान आवेश एकत्र हो जाएं, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होने लगता है। अब हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये नेगेटिव पोर्शन हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर जन्म ले लेता है। अब इस सेल के अंदर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक केमिकल फोर्स जो चार्जेस को सेपरेट रखने का प्रयास करता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो अपोजिट चार्जेस को पास लाने का प्रयास करता है। लेकिन ये नेगेटिव जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन चलकर कॉपर पार्ट जो कि पॉजिटिव है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वजह यह है कि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स को पूरी तरह से बैलेंस करके रखता है। लेकिन यदि हम इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे के बीच कोई कंडक्टर वायर, कोई रेसिस्टिव वायर हमने यदि कनेक्ट कर दिया, तब इन चार्जेस को इस लगाए गए तार से बहने का एक आसान मौका मिल जाता है और ऐसी स्थिति में करंट इस बाहरी तार से होते हुए इलेक्ट्रोडों के बीच प्रवाहित होने लगती है। हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर से यदि करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर उस बहने वाली करंट का अपोज करने का गुण रखता है और उसके इसी गुण को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रायः R से दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से सेल के अंदर उपस्थित आयंस और केमिकल के जो पार्टिकल्स हैं वे भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने का गुण रखते हैं। सेल के अंदर इस अपोज करने के गुण को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम प्रायः स्मॉल R से दर्शाते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमें किसी प्राइमरी सेल के इसी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R को फाइंड करना है।
इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर की मदद ले रहे हैं। तो देखें कि हम पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जो कि 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटम और मैग्नीन अलाय का बना एक तार होता है, और ये जो तार है ये किसी प्राइमरी सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए या फिर किसी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए काम में लाया जाता है। हमने यहाँ कॉन्स्टेंटन और मैगनीन अलाय इसलिए लिया है क्योंकि ये देखा गया है कि चालकों का प्रतिरोध ताप से बहुत अधिक प्रभावित होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटम और मैगनीन अलाय से बने तार पर ताप का बहुत अधिक ताप के साथ धारा में परिवर्तन का प्रभाव लगभग न के बराबर होता है। यही वजह है कि हम पोटेंशियोमीटर में कॉन्स्टेंटन और मैगनीन अलाय का तार प्रयुक्त करते हैं। अभी हमने एक शब्द कहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आइए जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वास्तव में इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को मूव कराने के लिए आवश्यक होता है। चित्र में आप एक बैटरी देख रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यदि हम इस बैटरी के इन दोनों टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन यदि हमने बैटरी को इस तरह से एक परिपथ से जोड़ा है, परिपथ में एक रेजिस्टेंस लगा है और एक की लगी हुई है, अब यदि हम परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, वो ईएमएफ नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज सर्किट के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच नापा गया पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब बात ये आती है कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच वोल्टेज कैसे नापा जाए। सामान्यतः सबसे सुविधाजनक तरीका यह होता है कि हम इनके बीच में एक वोल्टमीटर लगा दें और वो हमारे वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ले। लेकिन वोल्टमीटर अपने अंदर से करंट को प्रवाहित करता है, करंट डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसके द्वारा नापा गया पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं दिखाता। यही कारण है कि यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें पोटेंशियोमीटर चाहिए, हमें वोल्टमीटर नहीं चाहिए। आज के प्रैक्टिकल में हम पोटेंशियोमीटर का ही इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। पोटेंशियोमीटर की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ये पी और ये बिंदु क्यू है, पी और क्यू के बीच एक एक मीटर के ये 10 तार इस प्रकार से जमे होते हैं। इन तारों के एंड्स पर एक मेटल के गुटके लगे होते हैं। बिंदु पी पर एक मेटल का गुटका है और हम देख रहे हैं कि ये पहले और दूसरे तार को जोड़ने वाला एक ये दूसरा मेटल प्लेट जुड़ी हुई है। फिर इसी तरह दूसरे और तीसरे तार के लिए ये मेटल प्लेट जुड़ी हुई है। प्रायः हम लोग पोटेंशियोमीटर की रीडिंग लेने में जो गलती करते हैं उस पर हम विचार करते हैं कि कहाँ हमसे गलती हो सकती है। आप देख रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर के वायर के ठीक ऊपर एक लकड़ी का मीटर स्केल बना हुआ है। इस लकड़ी के मीटर स्केल पर ऊपर की ओर सेंटीमीटर में निशान लगे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 95, 96, 97, 98, 99 और 100 तक। इसी स्केल का जो निचला वाला सिरा है वहाँ हम देखें निशान, तो यहाँ पर
जहां पर ऊपर वाले स्केल में 100 था वहां पर नीचे वाले स्केल में 0 है, और यहां पर हम दाएं से बाएं जाने पर क्रमशः हम सेंटीमीटर के अंकों को बढ़ता हुआ देखते हैं और आखिरी अंक हमारा 100 सेंटीमीटर का होता है। अब ये स्केल में दोनों तरफ निशान लगाने का क्या अर्थ है और हम इसका कैसा उपयोग करेंगे, आइए इस बात को हम समझते हैं। मान लो हमें पोटेंशियोमीटर के पहले वायर पर ही बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। हम सपोज हमें यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, क्योंकि ये पहला तार है तो हमें ऊपर का स्केल पढ़ना है, हम सीधे सीधे पढ़ सकेंगे कि 95 सेंटीमीटर पर हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिला। लेकिन यदि बैलेंसिंग पॉइंट मान लो हमें यहाँ पता करना है, तब हम इसे पता करने के लिए ये देखते हैं कि पहला तार 100 सेंटीमीटर का है और दूसरा तार पहले से इस गुटके के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हमें बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पता करना है तो हम नीचे का स्केल पढ़ेंगे और नीचे के स्केल के हिसाब से यहाँ पर 95 सेंटीमीटर है, तो बैलेंसिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 और ये 95, तो 195 सेंटीमीटर हमारा बैलेंसिंग पॉइंट होगा। ये यदि हम इसको दोनों बार ऊपर का स्केल पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में हम गलती से इसे 100 और ये 105 सेंटीमीटर कह देंगे, ये गलत होगा। इसी तरह मान लो हमें इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है, हमें इसकी स्थिति ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 तीन तार अर्थात 300 सेंटीमीटर तो हो गए। अब हम यहाँ से करंट यहाँ से बहती हुई इधर आ रही है, इसका अर्थ है कि 300 और इसके बाद फिर नीचे वाला स्केल पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो ये हमारा 303 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग पॉइंट हमें प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और टर्मिनल वोल्टेज वी के बीच रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है, वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, अर्थात जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम इस समीकरण से पक्षांतर करते हैं, ये ई को इधर ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाता है वी माइनस ई इक्वल टू माइनस आई इंटू आर, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ई माइनस वी इक्वल टू आई इंटू आर। हम दोनों ओर आई का भाग देते हैं तो ई अपॉन आई माइनस वी अपॉन आई इक्वल टू आर हो जाएगा, और हम ई माइनस ई अपॉन आई माइनस वी अपॉन आई को ओम के नियम से हम आर लिख सकते हैं, तो हमारा समीकरण हो जाएगा ई डिवाइड बाय आई माइनस आर इक्वल टू स्मॉल आर। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा ई अपॉन आई इंटू आर माइनस वन इक्वल टू आर। यहाँ जो स्मॉल आर है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कैपिटल आर ई और वी पर डिपेंड करता है। विभवमापी के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दो बिंदुओं के बीच लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात यदि हम दो बिंदु लें जिनके बीच की दूरी L1 है तो उन दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो E है तो वो E समानुपाती होगा L1, या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं E इक्वल टू K इंटू L1, जहाँ पर K एक कांस्टेंट है जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। इसी प्रकार V इक्वल टू K इंटू L2 लिखा जा सकता है, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं कि E हमारा सेल का EMF है और K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का अर्थ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट।
समीकरण एक और दो से ये मान हमारे आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र में हम रखते हैं। तो हम जानते हैं कि R स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कैपिटल E अपॉन कैपिटल V माइनस 1 होता है। कैपिटल E की वैल्यू हमने रखा K L1 अपॉन V की वैल्यू रखा K L2 और हमें अंततः सरल करने पर ये समीकरण प्राप्त होता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। यहाँ L1 और L2 पोटेंशियोमीटर के वायर पर नल पॉइंट की पोजीशन है अर्थात ये बैलेंसिंग पॉइंट है। L1 बैलेंसिंग पॉइंट तब है जब लैक्लांसी सेल सर्किट में नहीं होता है जबकि L2 बैलेंसिंग पॉइंट है जब हमारा लैक्लांसी सेल सर्किट में होता है। चित्र में आप पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर पी क्यू हमारे पोटेंशियोमीटर का वायर है। हम जानते हैं कि ये पी क्यू 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है। हमने यहाँ इसे सांकेतिक रूप में एक सरल रेखा के रूप में बनाया है। इस पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल पी को हमने हमारी मेन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। ये जो बैटरी है ये बैटरी का काम हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं निकालना है। ये बैटरी तो इसलिए लगाई गई है कि सर्किट में करंट प्रवाहित हो सके। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम एक की K1 के साथ जोड़ते हैं और रिहोस्टेट से होते हुए ये पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल Q से कनेक्ट होती है। यह हमारा प्राइमरी सर्किट है। अब हम देखते हैं कि हमने पॉइंट P को लैक्लांसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, लैक्लांसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है जबकि गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जॉकी जे के साथ जोड़ा गया है। इसी के साथ हम बैटरी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स हम यहाँ पर कम प्रतिरोध मानों का रेजिस्टेंस बॉक्स प्रयुक्त करते हैं। हमने यहाँ अपने प्रयोग में 1 से लेकर 100 ओम तक का रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। यह हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। यह हमारी बैटरी एलिमिनेटर है, हमने इसे 2 वोल्ट पर सेट किया हुआ है। यह हमारा लैक्लांसी सेल है, ये कम प्रतिरोध मानों वाला प्रतिरोध बॉक्स है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी जॉकी है और ये 2 वन वे की है और ये रियोस्टेट है। आइए अब हम कनेक्शन के बारे में देखते हैं। यह हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने विभवमापी के बिंदु पी से जोड़ा है जबकि नेगेटिव टर्मिनल हमने कुंजी K1 के माध्यम से रियोस्टेट से जोड़ा है। रियोस्टेट का दूसरा सिरा हमने पॉइंट क्यू से कनेक्ट किया है। यह हमारा लैक्लांसी सेल है। लैक्लांसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पॉइंट पी से कनेक्ट किया हुआ है जबकि नेगेटिव पॉइंट हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमने जॉकी के साथ कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स के दोनों टर्मिनलों को हमने इस लैक्लांसी सेल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। आइए हम देखते हैं कि हमने जो कनेक्शन किया है वो सही है या नहीं। इसके लिए हम K2 के प्लग को निकाल लेते हैं जबकि K1 का प्लग लगा रहने देते हैं। अब हम जॉकी को पॉइंट क्यू पर टच करते हैं। हम देख रहे हैं कि पॉइंट क्यू पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है जबकि हम जॉकी को पॉइंट पी की पास कनेक्ट टच करते हैं तो हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये दिखाता है कि हमारा कनेक्शन पूरी तरह से सही है। नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम की K2 को ओपन करते हैं।
और गैल्वेनोमीटर के वायर पर जॉकी को टच करा के देखते हैं। हम फर्स्ट वायर पर टच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, सेकंड पर भी लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर भी लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, लेकिन सिक्स पर राइट हैंड साइड पर आ रहा है। अब हम सावधानी से नल पॉइंट ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन धीरे धीरे जीरो की ओर आ रहा है और इस पॉइंट पर लगभग नल पॉइंट हमें रिसीव हो रहा है। ये 556 ये हमारी रीडिंग हुई, हम इसे टेबल पर नोट करते हैं। बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड करने के लिए हम की K2 के प्लग को लगाते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसके साथ ही हम नल पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले तार पर जॉकी को टच करने पर लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्लेक्शन है, दूसरे तार पर लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन है लेकिन कम है। अब हम जॉकी को सावधानी से दूसरे तार पर स्लाइड कराते हैं। हम देख रहे हैं कि हमें नल पॉइंट लगभग प्राप्त होने की स्थिति आ गई और ये हमें पूरी तरह से नल पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट की पोजीशन हम नोट करते हैं, ये दूसरे तार पर 98 अर्थात 198 पर हमें डिफ्लेक्शन जीरो प्राप्त हुआ है। ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए, 198 हम इसे टेबल पर नोट कर लेते हैं। इसी तरह अब हम 1 ओम के रेजिस्टेंस के प्लग को हम वापस लगाते हैं और हमने बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है। अब हम इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। 1 ओम के लिए हमें 198 मिला था तो अब निश्चित रूप से इससे अधिक दूरी पर हमें बैलेंसिंग पॉइंट प्राप्त होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये दो बिंदुओं के बीच में हमें बैलेंसिंग पॉइंट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमें पूरी तरह से बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया है, ये है 199। 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ 199 एग्जैक्टली देखने पर 199.5 सेंटीमीटर, ये हम टेबल पर नोट कर लेते हैं। इसी तरह हम क्रमशः 3 ओम 4 ओम 5 ओम इनके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे और इन्हें टेबल पर नोट करते जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जो रीडिंग हमें प्राप्त हुई हमने ऑब्जर्वेशन टेबल पर उन्हें नोट किया है। आप देख रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ L1 हमें 556 सेंटीमीटर प्राप्त हुई थी। बैलेंसिंग लेंथ L1 प्राप्त करने के लिए हमने की K2 को ओपन रखा था और हमारी सर्किट में मेन बैटरी एलिमिनेटर ही लगा हुआ था जिसके कारण सर्किट में करंट बह रही थी। बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड करने के लिए हमें लेक्लांसी सेल को सर्किट में लाना होता है। इसके लिए हम की K2 को के प्लग को क्लोज करते हैं, उसको लगाते हैं जिससे लेक्लांसी सेल सर्किट में आ जाता है और अब इसके साथ ही हम रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि अब सर्किट में आ गया उससे क्रमशः 1 ओम 2 ओम 3 ओम इनके रेजिस्टेंस निकालते जाते हैं और प्रत्येक रेजिस्टेंस के संगत बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड करते हैं। हमने देखा कि 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ 198 सेंटीमीटर मिली थी, 2 ओम रेजिस्टेंस निकालने पर हमें बैलेंसिंग लेंथ 199.5 सेंटीमीटर मिली, 3 ओम के लिए 203 सेंटीमीटर मिली, 4 ओम के लिए हमें 207 सेंटीमीटर मिली, इसी तरह 5 ओम के लिए हमें 211 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त हुई थी। अब हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला R=L1 - L2/L2 × R, ये जो कैपिटल R है रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस है। तो पहली रीडिंग के लिए 1 ओम रीडिंग के लिए हम R की वैल्यू 1 रखते हैं, L1 की वैल्यू हम 556 रखते हैं, L2 हमें 198 मिला। फार्मूले पर वैल्यू रखने पर हमें 1.8 ओम आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हुआ। इसी तरह
2 ओम के रेजिस्टेंस लगाने पर हमें रीडिंग 3.56 ओम प्राप्त हुई। इसी तरह 3 ओम के रेजिस्टेंस के लिए हमें आंतरिक प्रतिरोध 5.21 ओम प्राप्त हुआ। 4 ओम के लिए हमें 6.74 ओम प्राप्त हुआ। इसी तरह 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान 8.17 ओम प्राप्त हुआ। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं आर के भिन्न भिन्न मानों के लिए हमारा स्मॉल आर अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का मान काफ़ी अधिक अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा प्रयोग गलत है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.8 ओम से लेकर 8.17 ओम तक परिवर्तित हो रहा है। यदि हम प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 5 ओम तक के बाह्य प्रतिरोध में परिवर्तन करते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.8 ओम से लेकर 8.17 ओम तक परिवर्तित हो सकता है। प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये प्रैक्टिकल समाप्त होता है। इस प्रैक्टिकल को करने से पूर्व हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी सावधानी के अंतर्गत आता है कि हम जो कनेक्शन के लिए वायर प्रयुक्त कर रहे हैं वे तांबे के मोटे तार होने चाहिए। इन तारों के अंतिम छोर जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं वे अच्छी तरह से रेतमाल पेपर से साफ कर लिए जाने चाहिए ताकि इंसुलेशन इनका निकल जाए। जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसकी प्लग की को भी साफ करना बहुत आवश्यक होता है। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि हम जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर बल देकर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, इससे तार का व्यास कम ज़्यादा हो सकता है। और एक और सावधानी ये हो सकती है कि हम जो धारा मापी प्रयोग में ला रहे हैं उपयोग में ला रहे हैं उस धारा मापी की सुग्राहिता पर्याप्त रूप से अच्छी होनी चाहिए। इन सावधानियों को यदि हम बरतते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।